वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरएनकेएल के टूर से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ हम लोग अपने घर वापस आ चुके हैं, और वापस आने के बाद तकरीबन सभी जानने वालों का यही सवाल होता है कि भाई टूर से तो होके आ गए, लेकिन ये बताओ कि खर्चा कितना आया आपका। ये वाली वीडियो देखें और अपने हिसाब का आप लोग बजट सेट करें और निकल जाएं अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान टूर पे। पाकिस्तान टूर का प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि भाई पेट्रोल कितना लगेगा। तो जैसे कि हम अपनी सिटी लेके गए थे, 2005 का मॉडल है, 1300 सीसी कार है, तो हम लोग हैदराबाद से निकले थे। हमने पूरा सफ़र तय किया और हमारा जो लास्ट स्टॉप था वो था केल, जो कि कश्मीर में है, और वहाँ तक का जो हमारा फ्यूल खर्च हुआ है वो हुआ है 75,000 रुपीज़ का। तो ये अगस्त के फर्स्ट वीक की बात है जब पेट्रोल था 228 रुपये लीटर। हमारी गाड़ी में चार लड़के थे और हमारी गाड़ी का जो ओवरऑल खर्चा आया था वो था 1,30,000 रुपीज़, और जो चार में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो बनता है कुछ 32,500 रुपये पर पर्सन, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बिल्कुल कश्मीर केल की तरफ, आरएनकेएल की तरफ, तो काफ़ी दूर जगह है, काफ़ी ख़राब रास्ता है, लेकिन इस हिसाब से जो ये पर हेड आया है ये बहुत अच्छा है। 32,500 रुपये जो एक बंदे का खर्चा आया है, इसके अंदर उसका खाना पीना भी इंक्लूडेड था और बाकी जो दीगर चीज़ें थी और जो रूम के जो रेंट था वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड था। हाँ, अगर आप लोग जैसे ट्रेन में या फिर कोई रेंट की गाड़ी करके जाते हैं तो उसमें आपका बजट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। भाई दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपनी या रेंट की गाड़ी में लंबे सफ़र पे या पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं तो भाई उसके टायर्स लाजमी चेक कर लिएगा कि वो लंबा सफ़र कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम टूर पे गए थे नारायण कागान की तरफ, तो हमने एक रेंट की गाड़ी ली थी और हम में से किसी का भी ध्यान जो है वो टायर्स की तरफ नहीं गया, और हम लोग ऐसे ही हैदराबाद से निकल चुके थे और हमने सक्खर भी क्रॉस कर लिया था। जब हम M5 मोटरवे पे आए तो रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारा टायर अचानक से बस्ट हो गया और हम लोग सारे थोड़ा सा परेशान हो गए क्या हुआ, लेकिन जब पता चला टायर बस्ट हुआ है तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग खैरियत से थे। हमने मोटरवे वालों को कॉल की तो उन्होंने बर वक्त हमें रेस्क्यू किया, और वहाँ से फिर उन्होंने हमें, हमारे पास स्टेपनी टायर नहीं था तो उन्होंने हमें एक टायर जो है वो अरेंज करवाया नीचे कहीं शहर से, हमें वो लेके गए थे अपनी गाड़ी में साथ, और हम फिर आगे अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए थे। लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी नज़र में वो ये है कि आप अपना बेस्ट ट्रैवल पार्टनर चूज़ करें, जो आपके साथ सफ़र करें और आपको सफ़र में बोर ना होने दे और जिसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा बनती। अगर आपने इस बात पर ध्यान दे लिया कि आपने अपना ट्रैवल पार्टनर जो है वो अच्छा चूज़ कर लिया, जो आपके साथ रहता है, जो आपका बेहतरीन दोस्त है या कज़न है, जो भी है, तो आपका सफ़र बहुत ही आला होगा और नेक्स्ट लेवल का होगा। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को ले जाएंगे जो कि चुप रहता है, वो अपने ख्यालों में गुम रहता है, तो आपका सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा बोर गुजर सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। मेरे साथ एक इंतहाई बोर बंदा बैठा हुआ था जो सिर्फ सोता था और खाता था, तो मेरा सफ़र मुझे पता है कैसा गुजरा है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको अपने पूरे टूर पर। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पैसे बचाने के भी तरीके। अगर आप लोग सारे लड़के लड़के टूर पर जा रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक सस्ता सा रूम लें जिसमें चार्जिंग के सॉकेट वगैरह हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा बिल्कुल लग्जरी रूम ना हो, आप वो रूम लें और उसके पैसे जो है आप थोड़े से सेव करें और उनको फिर आप किसी भी और जगह, अच्छी जगह खाने में या कोई चीज़ खरीदने में खर्च कर सकते हैं। एक अच्छा सा नॉर्मल सा रूम लें जिसमें आपके पैसे थोड़े से बचें। एक छोटा सा सीक्रेट है कि आपका जो पावर बैंक होगा ना उसको आपने बिल्कुल छुपा के रखना है, वरना अगर आपने एक दफ़ा भी अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए निकाल लिया किसी दोस्तों के सामने तो मेरे भाई आपका पावर बैंक हो जाएगा बिल्कुल खाली, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपना मोबाइल चार्ज करने की तो आपका मोबाइल भी बंद होगा और आपका पावर बैंक भी खाली होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा वेट करें और जब आप अपना रूम ले लें कोई सा भी जहाँ पे आपका चार्जिंग की जगह मौजूद हो तो आप अपना मोबाइल वहाँ पे निकाल के चार्ज कर लें जब तक आपको शदीद ज़रूरत ना पड़े पावर बैंक की। जैसे कि ये तरीका इस बार मैंने आजमाया था और मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ कि भाई मैंने अपना एक बैग लिया, उसमें मेरे सारे ट्राईपॉड स्टैंड थे और उसमें मेरे मोबाइल का चार्जर था, मेरे एक दो कैप्स थे और माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरी एक ही बैग में थी, और वो बैग मैंने जो है अपने पास आगे जो है कार में अपने साथ रखा हुआ है। तो मुझे जब भी किसी ट्राईपॉड स्टैंड की या चार्जर की या कैप की ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे सारी चीज़ें एक ही बैग में से मिल जाती थी। तो ये कुछ चीज़ें और कुछ बातें जो मेरे दिमाग में थी जो मैंने स्टोर पर अपने अप्लाई भी की और इनसे मुझे फ़ायदा भी हुआ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको मैं शेयर कर दूँ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और वीडियो को